हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2019 और यह हमारी 200वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किसे वेटरन पिन अवार्ड दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है पीटी उषा। पीटी उषा को वेटरन पिन अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें पीटी उषा भारत की पूर्व एथलीट और ओलंपियन है। दोस्तों, इन्हें इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक में लंबे समय तक योगदान के लिए इन्हें 24 सितंबर को कतर में IAAF की 52वीं कांग्रेस में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है पीटी उषा ऐसी भारत की पहली महिला है जिन्हें वेटरन पिन अवार्ड दिया जाएगा, तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें दोस्तों। हाल ही में किसने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार वापस किया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है रघुनंदन। हाल ही में रघुनंदन ने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार वापस किया है। दोस्तों, कर्नाटक के थिएटर कलाकार रघुनंदन ने मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के विरोध में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया है। इन्होंने एक बयान में कहा है कि ऐसी दुर्घटनाओं को देखते हुए वह यह अवार्ड स्वीकार नहीं कर सकते हैं। रघुनंदन ने इसके लिए खेद भी जाहिर किया है। तो आपको याद रखना है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार रघुनंदन ने हाल ही में वापस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में कहां निशुल्क बर्तन बैंक बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है इंदौर। इंदौर में निशुल्क बर्तन बैंक बनाया गया है। दोस्तों, देश की सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर को डिस्पोजल मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने निशुल्क बर्तन बैंक बनाया है। दोस्तों, इसके तहत लोगों को मेहमानों को खाना खिलाने के लिए डिस्पोजल प्लेट दोने आदि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें इन्हें खरीदना भी नहीं पड़ेगा। लोग टोल फ्री नंबर डायल कर बर्तन मंगा सकते हैं या बर्तन बुक कर सकते हैं। इस बैंक का नाम IMC बर्तन बैंक रखा गया है। दोस्तों, अब बात आई है इंदौर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंदौर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी मिनी मुंबई, अहिल्याबाई नगरी, होलकर राज्य की राजधानी, इन सभी नामों से इंदौर को जाना जाता है। चंबल, शिप्रा और खान प्रमुख नदियां हैं इंदौर में। दोस्तों, देश का एकमात्र शहर जहां IIM 2003 में और इसके साथ IIT 2008 में स्थापित किया गया है। MGM मेडिकल कॉलेज, सोया अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और गेहूं अनुसंधान केंद्र, प्रदेश का एकमात्र डेंटल कॉलेज, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स, ये सभी इंदौर में ही स्थित हैं। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में ही स्थित है। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी महू जो इंदौर में स्थित है यहीं से निकलती है। मध्य प्रदेश वित्त निगम मुख्यालय भी इंदौर में ही स्थित है। मौसम वेधशाला, खेल हलचल पत्रिका प्रकाशन स्थल और राज्य का एकमात्र नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में ही स्थित है। तो दोस्तों, इतना आपको इंदौर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये छठे भारतीय हैं। इससे पहले विशन सह वेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़, ये सभी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा चुके हैं।
अब छठे भारतीय बने हैं सचिन तेंदुलकर। दोस्तों आपको सचिन तेंदुलकर की कुछ उपलब्धियों के बारे में बता दें, सबसे ज्यादा टेस्ट और वनडे खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, 200 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट खेलने वाले एकमात्र और पहले बल्लेबाज हैं, 200 अंतरराष्ट्रीय एक पारी में यानी वनडे में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर। टेस्ट और वनडे मिलाकर कुल 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने का रिकॉर्ड केवल सचिन तेंदुलकर के नाम है। तो इतना आपको सचिन के बारे में याद रखना है। दोस्तों अब बात आई है आईसीसी की, तो आपको इसके बारे में बता दें, आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। आईसीसी का जो मोटो है वो आपको याद रखना है, इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। आईसीसी का फॉर्मेशन यानी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है और इसके 105 मेंबर हैं। सीईओ हैं मनु साहनी जो भारतीय हैं और चेयरमैन है शशांक मनोहर। तो आपको इतना आईसीसी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने शहीदों सैनिकों की वित्तीय सहायता बढ़ाई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र ने शहीद होने वाले सैनिकों की वित्तीय सहायता में वृद्धि की है। दोस्तों आपको बता दें जो वृद्धि की गई है और जो राशि अब मिलेगी वह 1 करोड़ रुपए होगी। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने शहीद होने वाले और अक्षम हो जाने वाले सैनिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों इससे पहले महाराष्ट्र के शहीद होने वाले सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब इस राशि में 4 गुना वृद्धि की गई है, यानी अब शहीद होने वाले सैनिकों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों बढ़ाई गई राशि 1 जनवरी 2020 से लागू की जाएगी। दोस्तों अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो मैप में आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दें, मैप में ये जगह महाराष्ट्र को दर्शाती है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गवर्नर है विद्यासागर राव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राजधानी है मुंबई। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड 2019 दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 44 लोगों को। हाल ही में 44 लोगों को संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों रंग कला के क्षेत्र में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अकेडमी रत्न अवार्ड के लिए तबला वादक जाकिर हुसैन, नृत्यांगना सोनल मानसे, कोरियोग्राफर जतिन गोस्वामी, भरतनाट्यम की विशेषज्ञ के कल्याण सुंदरम पिल्लई को चुना गया है। दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी के जनरल काउंसिल की बैठक में संगीत, नृत्य, थिएटर, पारंपरिक लोक नृत्य, जनजातीय संगीत, नृत्य, थिएटर आदि के क्षेत्र में 44 लोगों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें दोस्तों हिंदुस्तानी गीत के लिए मणि प्रसाद, हिंदुस्तानी वाद्य संतूर के लिए तरुण भट्टाचार्य, भरतनाट्यम के लिए राधा श्रीधर और मणिपुरी के लिए अखल लक्ष्मी देवी आदि को चुना गया है। तो आपको याद रखना है कुल 44 अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी 2018 में दिए जाएंगे। क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने स्कूलों के लिए हैप्पीनेस उत्सव शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दिल्ली सरकार ने। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए हैप्पीनेस उत्सव शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने प्रसन्नता पाठ्यक्रम शुरू करने के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हैप्पीनेस उत्सव लॉन्च किया है। इस उत्सव के प्रत्येक दिन की शुरुआत 50 मिनट में विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इसमें नाटक, कविता, प्रदर्शनी इत्यादि शामिल किए गए हैं। दोस्तों ये उत्सव 15 दिन पश्चात समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अब बात आई है दिल्ली की, तो आपको मैप में दिल्ली के बारे में बता दें, मैप में ये जगह दिल्ली को दर्शाती है। दिल्ली की गवर्नर है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया था। तो इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। हाल ही में किस विवि ने कृषि अनुसंधान परिषद का सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है JNKVV जबलपुर। JNKVV जबलपुर ने हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद का सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है।
दोस्तों आपको बता दें, JNKVV के बारे में, इसका फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय होता है। इसका मोटो आपको याद रखना है, इसका मोटो है प्राणी नाम प्रांडा कृषि। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वह है प्रदीप कुमार बेसन है, और दोस्तों इसकी स्थापना जबलपुर मध्य प्रदेश में की गई है। तो इतना आपको JNKVV यानी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजधारा योजना निम्न में से किस जाति से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति। सूरजधारा योजना अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें, अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सूरजधारा योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई है। तो आपको याद रखना है, यह जो योजना है वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रतलाम। रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे जिलों के, इनके बारे में भी बता दें। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरहानपुर की। यहाँ पर केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। बड़वानी में दोस्तों धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। और वहीं अगर बात करें इंदौर की, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। तो इन चारों जगह है, रतलाम में अंगूर, बुरहानपुर में केला, बड़वानी में धान और इंदौर में सोयाबीन। तो इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यंत्रदूत ग्राम योजना मध्य प्रदेश में कितने ग्रामों में विकसित की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 139, 139 ग्रामों में यंत्रदूत ग्राम योजना विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थ्रस्ट योजना मध्य प्रदेश में कितने जिलों में संचालित की जा रही है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 33, यानी 33 जिलों में थ्रस्ट योजना मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है। दोस्तों 1989 यानी 1989 में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 33 जिलों में संचालित की जा रही है थ्रस्ट परियोजना। दोस्तों जिसमें सूखे की स्थिति में चावल, मक्का, गेहूं, चना, अरहर की फसलों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो आपको याद रखना है, थ्रस्ट योजना में मध्य प्रदेश के जिले हैं 33। दोस्तों मैंने आज कृषि से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं, लास्ट के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं। ऐसे ही दोस्तों सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको पर डे किसी एक टॉपिक पर 2 या 3 क्वेश्चन लेके आऊं, जिससे आपको याद भी रहेगा और आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सॉल्व भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सागर संभागीय कमिश्नर बनाया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। दोस्तों वही बात करें प्रीवियस डे के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में 71 वर्ष बाद किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल क्लब में शामिल किया गया है? इसका सही ऑप्शन था दोस्तों इंदौर। हाल ही में इंदौर में 71 साल बाद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। पहली उड़ान दुबई के लिए भरी गई है। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।